नमस्कार, जय जगन्नाथ। सागर परिक्रमा के इस 11वें चरण में भगवान जगन्नाथ जी की पावन धरती उड़ीसा में आज हमें पारादीप पोर्ट पे आने का सौभाग्य मिला है। पारादीप पोर्ट पर भारत सरकार के शिपिंग डिपार्टमेंट की ओर से और हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट की ओर से दोनों के सहयोग से एक यहां आधुनिक फिशिंग हार्बर बनाने का योजना मंजूर किया हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों पे इस देश के पूरे फिशरीज सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का अभियान चल रहा है। इसमें से एक यहाँ 100 करोड़ से अधिक की लागत वाला हार्बर हमने मंजूर किया हुआ था। आज इसका भूमि पूजन करवा दिया है और राज्य सरकार के मंत्री महोदय श्री राजेंद्र प्रताप स्वैन जी की उपस्थिति राणेंद्र प्रसाद स्वैन जी की उपस्थिति में इनको भूमि पूजन कर दिया गया है और अभी इसको और जल्दी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। आज हमारा पारादीप फिशिंग हार्बर अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का फाउंडेशन स्टोन लग गया, भूमि पूजा हो गया। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशिंग एंड डायरी श्री पुरुषोत्तम रूपाली जी इसने फाउंडेशन स्टोन ले किया। साथ साथ हमारा ओडिशा राज्य सरकार का मंत्री श्री रणेंद्र प्रताप स्वैन साहब जी यही साथ में इस प्रोजेक्ट में हमारा पूरा एक इंटरनेशनल लेवल का फिशिंग हार्बर बनेगा। एक नया ऑक्शन हॉल बन जाएगा, एग्जिस्टिंग ऑक्शन हॉल गेयर शेड को नवीकरण भी हो जाएगा। साथ साथ एक एक्स्ट्रा शोर प्रोटेक्शन वर्क भी हो जाएगा, ये रोड्स इंप्रूवमेंट हो जाएगा, हमारा नया मार्केट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एग्जिस्टिंग मार्केट कॉम्प्लेक्स भी इंप्रूव हो जाएगा, एक नया आइस प्लांट भी बन जाएगा। ये 108 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट अगले नेक्स्ट 7-8 महीने में होने वाला है। अक्टूबर नवंबर तक ये काम कंप्लीट होके सबको समर्पित करेंगे। इसका वजह से लोकल फिशरमैन का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और उसका रेमुनरेशन भी बढ़ जाएगा, उसका सबका फ़ायदा हो जाएगा। हम बहुत जल्दी हमारा कंटेनर बर्थ को भी एक्टिवेट कर रहा है, उसका वजह से उसका रेफ्रिजरेटेड कंटेनर का फैसिलिटी भी कर रहा है। ये जो इधर से आउटपुट आ जाएगा तो फिशर प्रान जो मिल जाएगा इसको अभी वो लोग भेज रहे हैं, वाइजाग भेज रहे हैं और कलकत्ता भेज रहे हैं, इतना दूर तक भेजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारा पारादीप फिशिंग हार्बर का जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो हमारा पारादीप पोर्ट से ही सिर्फ एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसे बहुत फ़ायदा मिल जाएगा लोकल फिशरमैन कम्युनिटी के लिए। इसके लिए ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर हो रहा है। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। महानदी रिवर माउथ का खनन कब से शुरू, ड्रेजिंग कब से? या महानदी रिवर माउथ का ड्रेजिंग का बारे में ऑलरेडी हम स्टेट गवर्नमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हो चुका है। हम स्टेट गवर्नमेंट में उसमें फर्स्ट ईयर के लिए ड्रेजिंग का कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार हो गया है। 10 करोड़ का खर्चा है, हम टेंडर में जा रहे हैं। बहुत से जैसे टेंडर हो जाएगा उसका काम चालू करके कम्प्लीट कर लेंगे। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।